लेकिन बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं है, मतलब इक्वल राइट्स की है, बराबरी की है. प्रिसाइसली, तो बदलाव आ रहा है. स्लोली बट श्योरली थिंग्स आर चेंजिंग. मेरी फैमिली को ही ले लो. मेरे डैड के जनरेशन तक किसी औरत ने काम नहीं किया, नेवर. फिर मैंने आयशा को अलाउ किया बिजनेस चलाने. तुमने आयशा को अलाउ किया? यस. और उसे तुम्हारे परमिशन की जरूरत क्यों है? यू नो व्हाट आई मीन? नो, आई डोंट नो व्हाट यू मीन. जब तुम किसी को अलाउ करते हो, तुम अपने आप को एक अथॉरिटी, एक कंट्रोल की पोजीशन में डालते हो. और ये बराबरी नहीं हुई. बट थैंक यू, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था वो तुमने साबित कर लिया. जो बात बात में जज किए जाते हैं वो आज के जमाने में मर्द कहलाते हैं. जो हर गलती को अपने सर उठा लेते हैं वो आज के जमाने में मर्द कहलाते हैं. जिम्मेदारियां निभाकर भी तुमने किया ही क्या है, ऐसी बातों को चुपचाप सह जाते हैं वो आज के जमाने में मर्द कहलाते हैं. तुम सारे के सारे एक जैसे हो, इतना घिनौना ताना भी मुस्कुराकर सह जाते हैं वो आज के जमाने में मर्द कहलाते हैं. और फैमिली की ख्वाहिशें पूरी करते करते अपनी ख्वाहिश को तो पीछे ही छोड़ आते हैं वो आज के जमाने में मर्द कहलाते हैं. I spend all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Oh. मर्द बड़ी प्यारी चीज है. उसकी एक सुनो ना वो आपकी छह सुनो. और वो एक उस ये नहीं इसलिए नहीं सुनो कि वो आपकी छह सुने, उसको भी तो समझो, उसकी भी तो फीलिंग्स है. झूठे हैं वो लोग जो बोलते हैं कि आदमी रो नहीं सकते. पूछने वाला चाहिए रे.